बनेगी कैपिटल के बराबर बनेगी। कर्नल एफ की वैल्यू किसके बराबर बनी है? कैपिटल के बराबर बनी है। और इसका नाम दूंगा मैं इक्वेशन नंबर एट, इक्वेशन नंबर एट। तो अब हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेवन और इक्वेशन नंबर एट से वैल्यू क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर सेवन में है एच के अपॉन कर्नल एफ की जाए आइसोमॉर्फिक टू एच, तो कर्नल एफ की जगह क्या लिखूंगा मैं, के लिखूंगा, तो वैल्यू बनेगी एच के अपॉन के ही जाए आइसोमॉर्फिक टू एच। ये बात हमें प्रूव करनी थी, ठीक है, तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेवन एंड एट, फ्रॉम इक्वेशन सेवन एंड एट क्या बनेगा, एच के अपॉन कर्नल एफ की जगह क्या लिखा जाएगा, के लिखा जाएगा, इज आइसोमॉर्फिक टू एच, इज आइसोमॉर्फिक टू एच। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो इस थ्योरम के अंदर दो स्टेटमेंट प्रूव करने थे हमें एक तरीके से, और दोनों ही कंडीशन हमने प्रूव कर दी हैं। तो ये दोनों ही कंडीशंस किस तरीके से प्रूव की गई हैं ये आपको समझ में आया होगा शायद यहां तक। ठीक है, तो ये कंडीशन है अपने पास। तो आप लोगों ने क्या क्या प्रूव किया है यहां पर, अभी हमने ये दे रखा था अपने पास कि एच के इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, ये हमने हमें दे रखा था और तब प्रूव करवा रहा था कि एच के अपॉन के की वैल्यू इज आइसोमॉर्फिक टू एच करो एंड एच के अपॉन एच की जो वैल्यू है आइसोमॉर्फिक टू के। ये दोनों बातें हमें प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर दिया इस थ्योरम के माध्यम से। तो अगली जो थ्योरम है अपने पास उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की थ्योरम ये समझ में आई है कि नहीं आई है ये देख लेना अपने हिसाब से, अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को वापस से देखना, आपको समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर समझ में नहीं आती है इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले की कुछ चीज़ें मिस कर रखी हैं, और पहले से स्टार्टिंग से वीडियोज़ देखो तो लगातार आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।